दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी दधाना कप्या माला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तु मई ब्रह्मचारिणतमां नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है माँ का ये रूप अपने भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है इनकी उपासना से तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की वृद्धि होती है शास्त्रों में ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह मंडल धारण किए है इस दिन योगी का मन स्वादिष्ट चक्कर में स्थित रहता है इस चक्कर में मन वाला योगी उनकी और भक्ति प्राप्त करता है पहला अध्याय भगवती की महिमा एवं मधु कैटवध मार्के जी बोले सूर्य के पुत्र सावनी जो आठवें मनु कहे जाते हैं उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ सुनो सूर्य कुमार महाभाग सावरणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ पूर्व काल की बात है स्वरोचिस मनवंतर में सूरत नामक एक राजा थे जो वंश में उत्पन्न हुए थे उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था वे परजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे तो भी उस समय यवन राजा उनके शत्रु हो गए राजा सूरत की दंडनीति बड़ी प्रबल थी उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ यद्यपि यवन राजा संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश में राज्य करने लगे किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया राजा का बल क्षीण हो चला था इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया सूरत का प्रभुत नष्ट हो चुका था इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए वहां उन्होंने विपरवर मेघा मुनि का आश्रम देखा जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। फिर ममता से होकर इस प्रकार चिंता करने लगे पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्री मेरे राज्य की धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं जो सदा मध की वर्षा करने वाला और सूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे उन अप लोगों के द्वारा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे एक दिन उन्होंने वहां विपरवर मेघा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा भाई तुम कौन हो यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है तुम क्यों शोकग्रस्त हो राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनित भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा हे राजन मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ मेरा नाम समाधि है मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है मैं इस समय धन स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्र स्त्री और सवजन कुशल है या नहीं इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है वैस बोला आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता जिन्होंने धन के लोभ में पढ़कर पिता के प्रति स्नेह पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है हे महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है यह क्या है इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता इसके लिए क्या करूं? मार्केंडे जी कहते हैं हे ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ-साथ मेघा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए और उनको विनय पूर्वक प्रणाम करके बैठ गए राजा ने कहा भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। उसे बताइए मेरा चित अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है मुनिश्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। है? यह क्या है? इधर या वैश्य घर से अपमानित होकर आया है इसके पुत्र स्त्री और सबजनों ने इसे छोड़ दिया है सबजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है विवेक सुन पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है ऋषि बोले हे महाभाग विषय मारक का ज्ञान सब जीवों को है इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग-अलग हैं कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं हे नरश्रेष्ठ क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है तथापि वे संसार की बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भवर से युक्त मोह के गहरे गड्ढे में गिराए गए हैं इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बल पूर्वक खींच कर मोह में डाल देती है वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करता है तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही मोक्ष की परम हेतु सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधिश्वरी हैं। राजा ने पूछा हे भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वह देवी कौन है उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ ऋषि बोले हे राजन वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है तथापि उनका प्रकार अनेक से होता है वह मुझसे सुनो यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है एक बार प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निंद्रा का आश्रय ले सो रहे थे उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे वे दोनों का वध करने को तैयार हो गए भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निंद्रा का ध्यान आरंभ किया जो इस विश्व की अधिश्वरी जगत को धारण करने वाली संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है उन्हें भगवती निंद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा हे hey देवी तुम्ही स्वाहा तुम्ही सवधा और तुम्ही वस्तकार हो सब भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं तुम्ही जीवन सुधा हो नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा हो जिसका विशेष रूप से उच्चार नहीं किया जा सकता वह भी तुम्ही हो हे देवी तुम्ही संध्या सावित्री एवं परम जननी हो देवी तुम्हें इस विश्व ब्रह्मांड को धान करती हो तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है तुम्हें से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो हे जगन्मयी देवी इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो पालन काल में सिद्धि रूपा हो तथा कल्पांत के समय संघार रूप धारण करने वाली हो तुम ही महाविद्या महामाया महामेघा महासमृति महामोह रूपा और महादेवी हो तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो भयंकर कालरात्रि महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है ये जो दोनों असुर मधु और कैटब है इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शिघर ही जगा दो साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो ऋषि कहते हैं हे राजन जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगनिद्रा की इस प्रकार स्तुति की तब वे भगवान के नेतर मुख नासिका बाहु हृदय और वक्ष तल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रमा जी को खाने के लिए प्रयास कर रहे थे तब भगवान श्रीहरि ने उठकर उन दोनों के साथ पांच हजार वर्षो तक केवल बाहु युद्ध किया वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं तुम हम लोगों से कोई वर मांगो श्री भगवान बोले यदि तुम दोनों मुझ पर हो, तो आप मेरे हाथ से मारे जाओ बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है ऋषि कहते हैं इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमल नैन भगवान से कहा जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो जहाँ सूखा स्थान हो वही हमारा वध करो ऋषि कहते हैं तब तथास्तु कहकर संघ चकर और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रख कर चकर से काट डाले दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध महर्षि मेघा बोले प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था तब देवराज देवताओं के राजा थे इस युद्ध में देवताओं की सेना प्रास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था युद्ध के पश्चात खारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर भगवान शंकर विराजमान थे देवताओं ने अपनी हार का सारा वर्तान भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे हे प्रभु महिषासुर सूर्य चंद्रमा इंद्र अग्नि वायु यम वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं हम आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचे देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया उनकी बोहे तन गई और आंखें लाल हो गई गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का वह पुंज ऐसा दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा वह भगवान शंकर का तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितम भाग बना बर्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेतर बने संध्या के तेज से उसकी बोहे और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्कर में से एक चक्कर निकाल कर उस देवी को दिया वरुण ने देवी को शंख भेंट किया अग्नि ने उसे शक्ति दी वायु ने उसे धनुष और बाण दिए शस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंदर ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और इरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया वरुण ने उसे पास दिया प्रजापति ने उस देवी को सफ्टिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी दो कुंडल उज्ज्वल अर्धचंदर बाहों के लिए बाजूबंद चरणों के लिए नुपुर गले के लिए सुंदर हार और उंगलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठिया दी विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्तर और अभेद्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की समुन्दर ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रतन देवी को भेंट किए यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नाग हार भेंट किया इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंह नाद समा प्रतीत होने लगा उससे बड़े जोर की प्रती हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुन्दर कांप उठे पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगत जननी देवी से कहा hey महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मगन देकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी उसने क्रोध में भरकर कहा यह सब क्या उत्पात है फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष के टंकार से सब लोग शुभ हो रहे थे देवी अपनी शस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी इसके पश्चात उनका दैतों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भाषित होने लगी महिषासुर की सेना का सेनापति चिकसुर नामक एक महान असुर था वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुर्गिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और साठ हजार महारथियों को साथ लेकर उदर नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर एक करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक असुर पांच करोड़ सैनिकों के साथ लेकर युद्ध करने लगा वास्कल नामक असुर लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर एक करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सबके पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा सभी तोमर, शक्ति, मूसल, पटियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादी इसके पश्चात सब के सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का प्रयास करने लगे मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए फरसे भिन्दीपाल खड़क तथा पट्टिस इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल व आदि बजा रहे थे तदंतर देवी ने त्रिशूल शक्ति, खड़ग इत्यादि से शस्त्रों असुरों को मार डाला कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया कितने ही असुरों को अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बांध से कमर टूट गई देवताओं को पीड़ा देने वाले देता कट कट कर मरने लगे कितनों की बाहें अलग हो गई कितनों की गिरवाएं कट गई कितनों के सिर कट कर दूर भूमि पर लुढ़क गए कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे दैत्य रह रहकर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे जहां पर यह घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमि रथ हाथी घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तिरण काष्ट के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की